सो फ्यू मंथ्स बैक मैंने डिसाइड किया था कि मैं बर्सर्क रीड करूँगा, एंड आफ्टर फिनिशिंग इट आई वॉज लाइक चलो कुछ सिमिलर सा मस्त एक्शन मस्त आर्ट स्टाइल वाला मांगा रीड करते हैं. एंड देन अ फ्रेंड ऑफ माइन रिकमेंडेड मी अ मांगा. आई स्टार्टेड रीडिंग इट एंड गेस वॉट, 3 दिन में मैंने सारे 328 चैप्टर्स उस मांगा का रीड कर लिया. वो मांगा का नाम था वेगा बॉन्ड. आज के वीडियो में इसी मांगा के बारे में बात करेगा मैं, वेगा बॉन्ड. दिस इज़ अ स्पॉयलर फ्री रिव्यू ऑफ वेगा बॉन्ड मांगा. इंट्रो देखो, बताता है मैं फिर इस मांगा के अच्छे और बुरे चीज़ों के बारे में. लेट्स बिगिन. वेगाबॉन्ड इज़ अ स्टोरी ऑफ मियामोतो मुसाशी, जो कि एक छोटा सा हराम खोर बच्चा होता है. मतलब छोटा मतलब टीनेजर, एंड इतना हराम ही होता है कि भाई ये मर्डर मुर्डर कर देता है. एंड ये बंदा अपना नाम बनाने के लिए एक वेगाबॉन्ड बनता है. वेगाबॉन्ड का मतलब होता है वो इंसान जिसका घर जॉब नहीं होता और वो एक से दूसरे जगह घूमते रहता है. मुसाशी का गोल होता है अपना नाम बनाना एंड स्ट्रॉन्गेस्ट रोनिन बनना, जिसके लिए वो सबसे फेमस और स्ट्रॉन्गेस्ट रोनिन्स को खोजने निकलता है और डिसाइड करता है कि एक एक करके सबको हराएगा वो, फिर स्ट्रॉन्गेस्ट रोनिन बन जाएगा वो. वेगाबॉन्ड का मांगा का ताकेहिको इनोवे है, जिन्होंने स्लैम डंक को भी ड्रॉ किया है. एंड ये मांगा मुसाशी नाम के एक नॉवल पर बेस्ड है. एंड जैसा मैंने बोला कि मुसाशी स्ट्रॉन्गेस्ट रोनिन बनने के जर्नी में निकलता है, तो ऑब्वियसली ये मांगा एडो जापान को दिखाती है. अभी वैसे वेगाबॉन्ड में 328 चैप्टर्स है और ये अभी हियाटस में है 6-7 सालों से. ठीक है, कोई चैप्टर नहीं है इसका 6-7 सालों से, और पता नहीं कब ये कंटिन्यू होगा. वैसे गुड थिंग इज़ कि मुसाशी का सिर्फ एक ही फाइट बचा है ड्रॉ करने के लिए, एंड उस फाइट के कंक्लूजन को तुम गूगल करके ईजिली देख सकते हो. बट क्या ये सिर्फ एक फाइटिंग वाला मांगा है? क्या इस मांगा में सिर्फ एक्शन और खून खराबा काटा पीटी है क्या? नहीं, वेगाबॉन्ड मैंने ये सोच के रीड करना चालू किया था कि मस्त एक्शन वाला मांगा होगा, बर्सर्क जैसे दुनिया भर का काटा पीटी होगा, इसमें मज़ा आएगा. काटा पीटी है इसमें, लेकिन ये सिर्फ एक एक्शन मांगा नहीं है. वेगाबॉन्ड एक्शन से ज़्यादा फिलॉसफी पे ध्यान देता है, टू बी प्रिसाइज ईस्टर्न फिलॉसफी. अगर तुम फेमिलियर नहीं हो ईस्टर्न फिलॉसफी से तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वेगाबॉन्ड धीरे धीरे तुम्हें सिखाएगा कि ईस्टर्न फिलॉसफी क्या है. एंड जिस वे में सिखाता है ना, दैट माई फ्रेंड इज़ वेरी ब्यूटिफुल. मियामोतो मुसाशी AKA शिनमेन ताकेज़ो कैसे एक चूतड़ सा बिची पर्सनैलिटी वाले लॉन्डे से काम और मेच्योर रोनिन बनता है, ये हमें दिखाया गया वेगाबॉन्ड में. वेगाबॉन्ड एक्चुअली में सिर्फ एक नहीं बल्कि 3 कैरेक्टर्स की स्टोरी दिखाता है. एक तो मुसाशी और बाकी दो तुम रीड करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा. एंड ये तीनों कैरेक्टर्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लिंक्ड होते हैं, एंड ये तीनों एक दूसरे से बहुत अलग कैरेक्टर्स हैं. अगर बात करें मुसाशी की, तो मैंने आज तक जितने भी मांगा और एनिमे रीड किए या देखे हैं, उनमें से अगर मुझसे कोई पूछेगा कि बेस्ट रिटर्न कैरेक्टर कौन है मेरे हिसाब से, तो मैं डेफिनेटली मुसाशी का नाम लूँगा. मुसाशी की राइटिंग भाई माइंड ब्लोइंग. एक जानवर से इंसान बनता है मुसाशी. जिस वे में ये सोचता है, जिस वे में ये लड़ता है, बहुत मस्त. प्लस मुसाशी एक बैडएस और कूल कैरेक्टर भी है, तो आई एम श्योर कि तुम भी इसे पसंद करने लग जाओगे. इसके अलावा अगर मैं बात करूँ वेगाबॉन्ड के आर्ट स्टाइल की, बेस्ट यही बोल सकता हूँ मैं इसके आर्ट स्टाइल के बारे में. पेंटिंग जैसे आर्ट स्टाइल है वेगाबॉन्ड का, बहुत 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 रियलिस्टिक आर्ट स्टाइल है. प्लॉट वेगाबॉन्ड का मुझे तो इतना खास नहीं लगा. आई मीन मुसाशी जिसमें मैं सोचता है वो सब मस्त है, बट ओवरऑल प्लॉट एक नॉर्मल प्लॉट ही है. वेगाबॉन्ड इज़ अ कैरेक्टर ड्रिवन मांगा आफ्टर ऑल. कैरेक्टर्स ऑन दी अदर हैंड बहुत बहुत मस्त हैं, एंड भले ही वेगाबॉन्ड फिलॉसफी पर ज़्यादा फोकस करता है, एक्शन भी वेगाबॉन्ड का बहुत अच्छा है. अगर तुम ये सोच रहे कि भाई बिल्कुल भी एक्शन नहीं है, तो सेकेंड योशियो का आर्क रीड करना, उसमें जो एक्शन है भाई. एंड हाँ, अगर तुम सॉफ्ट हार्टेड इंसान हो तो नो वरीज, वेगाबॉन्ड में गोर है, बट वो बहुत हद तक सेंसर्ड टाइप का गोर है, फ़र्क नहीं पड़ेगा इतना ज़्यादा. वेगाबॉन्ड एक सेनिन मांगा है, बट ये एक सेनिन मांगा इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा गंदा गोर और सेक्सुअल चीज़ें हैं, नहीं, बल्कि दिमाग चाहिए 18+ वाला इसको पसंद करने के लिए. ये शायद ऐसे लोग को पसंद नहीं आएगा जो बस एक्शन को देखना पसंद करते हैं. कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरीज पसंद है तो वेगाबॉन्ड इज़ फॉर यू. डिस्टर्बिंग तो नहीं है वेगाबॉन्ड बिल्कुल भी, बट दिमाग ज़रूर चाहिए वेगाबॉन्ड को समझने के लिए. अगर तुम ऐसे बंदे हो कि मतलब जिसको ज़्यादा दिमाग लगाना पसंद नहीं है, तो डू नॉट बॉदर टू रीड दिस. अबाउट बुरी चीज़ें, तो कभी कभी ये मांगा हद बोरिंग हो जाता है, दी कॉमन प्रॉब्लम ऑफ लॉन्ग रनिंग मांगास. बाकी तो कुछ प्रॉब्लम लगा नहीं मुझे. हाँ, पेसिंग बहुत स्लो है इसका, बट कम ऑन यार, कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरी है ये, स्लो तो होगा ही ना.
मेरा फेवरेट आर्क वेगाबॉन्ड का ऐसा आर्क है जिसमें एक भी फाइटिंग सीन नहीं है, लौंडा खेती करता है बस, बट स्टिल वो आर्क बेस्ट है मेरे हिसाब से। हाँ, वेगाबॉन्ड का एनिमे मत खोजने बैठना, नहीं मिलने वाला तुम्हें। एंड इसके कलर चैप्टर्स भी मत ढूंढना, बहुत गंदा कलरिंग है इसका। ब्लैक एंड व्हाइट में वेगाबॉन्ड बेस्ट है। 328 भाई बता दिया मैंने, एंड आराम से रीड करो, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी बोला कि ये हियाटस में है, तो जल्दी ख़त्म करने के चक्कर में चीज़ें मिस मत कर देना। मांगा रीडर में तुमको एकदम टॉप क्वालिटी में मिल जाएगा। ताचियो में एक्सटेंशन डाउनलोड करोगे तो वहाँ पे ऐड तो वैसे मांगा रीडर में नहीं आता, बट लोड होने में टाइम लगता है ना, तो ताचियो में वो प्रॉब्लम नहीं होगा, तो वहाँ से तुम रीड कर सकते हो। अगर वेगाबॉन्ड रीड कर रखा है तो कमेंट्स में बताओ कैसा लगा, और अगर करने वाले हो तो भी कमेंट्स में बताओ। ये मांगा पता है सबको पसंद नहीं आने वाली, मुझे जहाँ तक लगता है कुछ ही को पसंद आएगी, लेकिन जिनको पसंद आएगी उनको कुछ ज़्यादा ही पसंद आ जाएगी, एंड जिनको पसंद नहीं आएगी यार भाई नहीं आएगी, क्या करेगा। मैं पता है एक्चुअली मेरे को खुद कोई फिलॉसफी में कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, बट अभी भी नहीं है, बट भाई वेगाबॉन्ड अच्छी तरीके से समझाता है वो चीज़ को। मैं तो सबको रिकमेंड करता है भाई कि वेगाबॉन्ड रीड करो भाई, मज़ा आएगा। इसके अलावा मेरे को कुछ और बोलने लायक है नहीं मेरे पास, क्योंकि फिलॉसफी फिलॉसफी है ना। बाकी तुम खुद ही अगर रीड करोगे ना तो तुमको ही समझ आएगा, मैं समझा नहीं सकता इसके अलावा। एंड स्पॉइलर फ्री है ये वीडियो, तो लिमिट्स है मैं कितना बोल सकता हूँ, राइट? तो या अब कल आवाज़ सुनने मिलेगी, कल के बाद कुछ दिन ब्रेक लूँगा बहनचोद, भाई लगातार 7 दिन हो जाएगा कल तो 7 दिन से लगातार वीडियो भाई सर दर्द दे रहा है। तो अपना नेक्स्ट वीडियो आवाज़ सुनने लगी जो कि आएगा कल, तो बाय बाय।